What's up everyone, welcome back to the channel. अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई को. तो आज है हमारा डे वन ऑफ द 60 डे स्ट्रैटेजी. अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो या अब तक आपके किसी फ्रेंड ने पहुंचाया है तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आने वाले टाइम में इन 60 डेज में तो हम लोग पूरा सिलेबस अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स करने ही वाले हैं. उसके बाद भी अभी तो सफर बहुत लंबा है, पूरी 12th आप लोगों को करनी है और हमारा ये बॉन्ड, हमारा ये कम्युनिटी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. तो अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि एक चैनल ऐसा भी है जो 60 डेज में आपको पूरा अकाउंट्स, पूरा बीएसटी, पूरा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. चलो यार, हो गई बस प्रमोशन जितनी होनी थी. अब प्रमोशन में भी क्या है, अपने ही तो चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं और अपना चैनल, हम सबका चैनल, आप सबका चैनल. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज पढ़ने वाले हैं सप्लाई और देखते हैं कितना ज्यादा हो सकता है. लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले द मीनिंग ऑफ सप्लाई के साथ. देखो यार, मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है. तो सप्लाई बेसिकली ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी सेलर मार्केट में कोई सामान ऑफर कर रहा है बेचने के लिए, लाइक आप कस्टमर हो, मैं सेलर हूं, मैं ये मार्कर सेल करता हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 20 मार्कर्स, मैंने अपनी शॉप पे 20 मार्कर्स लगाए हुए हैं, आपको जितने लेने हैं, एक लेने हैं, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, आपने जितने लेने हैं ले लो. तो मैंने जितना भी मार्केट में टोटल ऑफरिंग दिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई. क्या होगा सप्लाई? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. वो क्वांटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे 20 मार्कर्स बोले, किस कमोडिटी के, मार्कर के, विच अ फर्म, ध्यान देना, विच अ फर्म इज विलिंग एंड एबल. दोनों चीजें, मेरी विलिंगनेस भी है, मैं चाहता भी हूँ 20 मार्कर सेल करना, और एबिलिटी भी है, 20 मेरे पास अवेलेबल भी है, तो मेरी विलिंगनेस भी और एबिलिटी भी टू ऑफर फॉर सेल. अभी बिके नहीं है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि ये मेरे 20 मार्कर्स हैं, आपको जितने लेने हैं ले लो. तो जब भी एक फर्म, एक सेलर आपको अपना प्रोडक्ट ऑफर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई. तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो, सप्लाई हमारे पास दो तरीके की हो सकती है. सप्लाई कितने तरीके की हो सकती है? दो. एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होता है मार्केट सप्लाई. अब देखो, मैंने यहां पे एक वर्ड पहले ही बॉक्स में कर दिया है, वो है अ फर्म. अगर एक सिंगल सेलर की बात हो रही है, अगर एक फर्म की बात हो रही है, तो उसको क्या बोलना है, इंडिविजुअल सप्लाई. और अगर मैं देखूं कि एक से ज्यादा सेलर्स की बात हो रही है, दो सेलर, चार सेलर, छह सेलर, पूरी मार्केट की बात हो रही है, तो फिर क्या बोलूंगा, मार्केट सप्लाई. सेम डेफिनेशन इंडिविजुअल सप्लाई में, यही डेफिनेशन. जब एक सेलर आपको कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, और मार्केट सप्लाई में एक से ज्यादा, दो तीन चार, उनका टोटल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई. बात समझे? तो सप्लाई क्या है, जब एक सेलर आपको मार्केट में कोई कमोडिटी ऑफर कर रहा है, उसकी विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, आप लो या ना लो दैट इज अप टू यू, उसने ऑफर कर दिया, तो उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे या खाली सप्लाई बोल देंगे. और अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो क्या बोलूंगा फिर, मार्केट सप्लाई. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, सप्लाई वर्सेस स्टॉक. सप्लाई क्या है और स्टॉक क्या है. देखो, सपोज मैं एक रिटेलर हूं और मैंने मार्कर 15 मंगवाए, 15 मार्कर्स, मेरे पास 15 मार्कर्स हैं, और मैं अपने शॉप में अभी इन 15 में से सिर्फ 5 ऑफर कर रहा हूं. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं बस 5, जब ये मेरे 5 बिक जाएंगे तो मैं अपने गोडाउन में से 5 और निकाल लाऊंगा, फिर जब वो 5 बिक जाएंगे गोडाउन में से 5 और निकाल लाऊंगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. तो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं सोचूं, तो जितना भी उसने प्रोडक्शन करा है, टोटल जितना भी उसने मैन्युफैक्चर करा है, वो उसका स्टॉक है. उसमें से जितना मार्केट में ऑफर करा, वो उसका सप्लाई है. जैसे यहाँ पे 15 मार्कर्स मेरे पास अवेलेबल थे, लेकिन मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा था, मेरे पास थे, मैंने अपने गोडाउन में स्टोर करे हुए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, स्टॉक. इसमें से जितने मार्केट में ऑफर करे, ये मेरा सप्लाई, और जितना बिक गया, जितना पब्लिक ने खरीद लिया, वो सेल. तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक. इसके अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई, और फिर जितना बिक जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेल.
बात समझे? ऐसा भी हो सकता है कि 15 मार्कर थे, 15 ही ऑफर कर दिए, 15 ही सेल हो गए, तो सप्लाई, स्टॉक और सेल तीनों बराबर हो गया। बट अगर वो आपसे कोई जनरली पूछ ले कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो स्टॉक, उससे छोटा सप्लाई, उससे भी छोटा सेल। ओके, अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि जब भी मार्केट में सप्लाई कम या ज्यादा होगा तो वो कौन से फैक्टर्स की वजह से होगा, ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में सप्लाई कम हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसीडर करना है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सप्लाई हमेशा प्राइस पे बेस्ड होगा। सपोज ये मार्कर है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, अगर इस मार्कर का प्राइस बढ़ा तो क्या मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया? मैं प्रोड्यूसर हूं और मुझे ये पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये बात माइंड में रखना, पूरा चैप्टर एज अ प्रोड्यूसर पढ़ना है। प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं कम बेचना चाहूंगा या ज्यादा बेचना चाहूंगा? ज्यादा, तो फिर मेरी सप्लाई भी बढ़ेगी। और अगर प्राइस हो जाता है कम, प्राइस कम हो गया, मेरे प्रोडक्ट सस्ता बिकने लगा, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया? और प्रॉफिट भी कम हो गया तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में, प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? पॉजिटिव रिलेशन, कि अगर एक बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ाऊंगा, प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम तो सप्लाई भी कम। क्लियर होता है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है। दूसरा है प्राइस ऑफ अदर गुड। प्राइस ऑफ अदर गुड का मतलब क्या होता है? अदर गुड का मतलब है कि हमारे से मिलता जुलता कोई गुड। सपोज हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जो, या एक फार्मर है जो राइस ग्रो करता है और एक फार्मर है जो वीट ग्रो करता है। अब मुझे ये मत बताना कि ये तो अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं और इसमें अलग चीज़ चाहिए, उसमें अलग चीज़ चाहिए, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, हम लोग जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है? तो एक फार्मर राइस ग्रो करता है और एक फार्मर वीट ग्रो करता है। अभी तक दोनों का जो प्राइस था वो सेम था, सेम प्राइस चल रहा था मार्केट में, जो चल रहा था। अब क्या हुआ कि राइस का प्राइस एकदम से बढ़ के आ गया, राइस महंगा हो गया। तो मुझे बताओ, अगर राइस महंगा हो गया तो क्या राइस में प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो गए? जो चीज़ महंगी बिकने लगती है उसका प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो वीट छोड़ के, इसको ख़त्म करके किस पे आ जाएंगे? राइस पे आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर मेरे गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो जो मेरे जैसे अदर गुड वाले हैं वो अपना गुड छोड़ के मेरे गुड पे आ जाएंगे। अब मेरे गुड का प्राइस बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? और अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज प्राइस का जो राइस है इसका प्राइस कांस्टेंट रहता है, वीट का बढ़ जाता है, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग राइस छोड़ के अब वीट पे जाएंगे क्योंकि इधर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ता है तो वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा, इधर से सप्लाई कम होगी उधर बढ़ जाएगी क्योंकि लोग छोड़ के उधर चले जाएंगे। और अगर हमारे वाले का प्राइस बढ़ जाता है तो बहुत से लोग वहां से छोड़ के इधर आएंगे तो हमारे गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, अदर गुड के प्राइस से भी बहुत फर्क आता है। क्लियर होती है ये बात? प्राइस और प्रॉफिट्स, इन दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट मेरा खुद का प्राइस, दूसरा पॉइंट अदर गुड का प्राइस। अदर गुड वो कोई भी हो सकता है मेरे से मिलता जुलता। क्लियर? इसके बाद आता है द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मेन लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। ये चार लोग ही हैं जो मिलके प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लोग तो नहीं कहूँगा, चार एलिमेंट्स हैं, चार कंपोनेंट्स हैं, चार फैक्टर्स हैं। अब सपोज लैंड महंगी हो जाए या लेबर महंगा हो जाए या कैपिटल महंगा मिले, हमें पैसा आसानी से ना मिले, एक्सपेंसिव मिलने लगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, इनका प्राइस बढ़ गया, अगर इनका प्राइस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अगर इनका प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट्स कम हो गए, और प्रॉफिट्स कम होंगे अगर तो क्या करोगे? सप्लाई को कम कर दोगे। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा है, ये महंगे हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई को क्या करना है? कम कर देना है। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो रहे हैं, लैंड सस्ता हो रहा है, लेबर आसानी से मिल रही है सस्ती, कैपिटल कम, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये सब सस्ता होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आपको क्या बढ़ा देना है?
सप्लाई भी बढ़ा देनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट वाला एलिमेंट सब में आ रहा है, चाहे वो प्राइस ऑफ गिवन गुड हो, चाहे वो प्राइस ऑफ अदर गुड हो, चाहे वो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो। तीन पॉइंट मेरे साथ साथ याद करेंगे, प्राइस ऑफ द गिवन गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ कौन सा होता है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में तो दो ही एलिमेंट है, टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या है? अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और एक एलिमेंट क्या है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड टू द मार्क है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, बढ़िया, अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट कम आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो खर्चा कम आएगा ना, बढ़िया टेक्नोलॉजी से खर्चा कम आता है, और कॉस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो क्या बढ़ाओगे? सप्लाई भी बढ़ा दोगे। और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, खराब है टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, डेली डेली खराब हो जाएगी आपकी मशीन्स, कॉस्ट ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट कम, और जब मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो मैं सप्लाई को भी क्या कर दूंगा? कम ही कर दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, टेक्नोलॉजी से भी बहुत फर्क पड़ता है जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आपके पास कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो तो गवर्नमेंट पॉलिसी में यू हैव टू कंसिडर टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो रही है तो हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, सरकार ने टैक्स लगा दिया या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है बेनिफिट्स, और टैक्स तो आप सब जानते ही हो। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में मेरे गुड पे टैक्स लगा दिया गया, टैक्स बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अल्टीमेटली हर पॉइंट को प्रॉफिट से कंपेयर करना है। अगर टैक्स लगाया, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई भी कम, और अगर टैक्स कम कर दिया गया, टैक्स अगर कम कर दिया गया या फिर सब्सिडी दे दी गई, सब्सिडी का मतलब होता है बेनिफिट्स, एडवांटेजेस दे दिए गए, सब्सिडी दे दी गई मुझे, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर सब्सिडी मिली, एडवांटेज मिली, बेनिफिट मिली गवर्नमेंट की साइड से, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप लोग क्या करोगे? सप्लाई को भी बढ़ा दोगे। तो पांच फैक्टर हम अभी तक पढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मेरा अगर प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सप्लाई बढ़ाओ, सीधा सीधा रिलेशन। कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, कम कर दो। प्राइस ऑफ अदर गुड, अदर गुड का अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो अपना वाला छोड़ के उधर चले जाएंगे, हमारे वाले की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर अदर गुड हमारे पास सस्ता हो जाता है तो वो वाले छोड़ के इधर आएंगे, तो मेरे गुड की अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर सस्ते हुए तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो सप्लाई ज्यादा, महंगे हुए तो प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो आपने लिखा ही है, अच्छी अगर टेक्नोलॉजी है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है ऑब्वियसली, तो सप्लाई भी ज्यादा। टेक्नोलॉजी खराब है तो प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी कम। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, टैक्सेशन और सब्सिडी हमने कंसिडर कर लिया, ये हो जाता है। इसके बाद आता था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देखो ऑब्जेक्टिव में हम कंसिडर कर सकते हैं एप्पल आईफोन, और आप लोग MI का कोई फ़ोन ले लो या फिर कोई ओप्पो वीवो ले लो, बेसिकली इन लोगों की सेल कब होती है? प्राइस कम होने की वजह से। और आईफोन का ऑब्जेक्टिव प्राइस का है ही नहीं, उसका जो टारगेट बेस ऑफ कस्टमर्स है वो अलग है, वो ज़्यादा प्राइस पे भी सप्लाई ज़्यादा सप्लाई करता है, समझ रहे हो, कि महंगा होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन बेचने की कोशिश करता है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो हमारे दूसरे फोन्स हैं, ये ओप्पो है, वीवो है, जो ये नॉर्मल फोन्स हैं, इनमें इन लोगों का मकसद क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कि ये कम में ही ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बेचते हैं, तो उसको हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो कम यूनिट बेच के, या ज़्यादा यूनिट बेच के ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो? इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज अबाउट ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई लिखो तो भी यही चल जाएंगे। तो इंडिविजुअल सप्लाई में भी ये, मार्केट सप्लाई में भी ये सिक्स पॉइंट्स आप सब में लिख सकते हो। स्टिल तीन पॉइंट्स और दिए हुए हमारी बुक्स में, जैसे कि नंबर वन दिया हुआ है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगे तो सप्लाई भी
कम होगी। एक पॉइंट दिया हुआ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं आज नहीं बेचूंगा, आज मैं अपनी कमोडिटी को स्टोर कर लूंगा, मैं फ्यूचर में ही बेचूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस होने वाला है कम, कल तो सस्ती बिकेगी कोई चीज़, तो उसको मैं आज ही सेल करने की कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि ये आज ही बिक जाए, क्योंकि कल तो सस्ता बिकेगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो मैं आज ही उसको सेल करने की कोशिश करूंगा। लास्ट आता है हमारे पास, जो हमारे पास एक पॉइंट और दिया हुआ है, वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप दूर दूर तक भी सप्लाई कर सकते हो और आपको इजीली गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सप्लाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं, बट आपको 3 आखिरी वाले करने की नीड नहीं है। दीज 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। इंडिविजुअल में भी यही लिख के आओ, मार्केट में भी यही लिख के आओ, आपका इजीली काम हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट, हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक पढ़ लिया, चौथा टॉपिक पढ़ लिया। 2 टॉपिक आज आपको और पढ़ाऊंगा, सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व, उनको डिस्कस करते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ से बिल्कुल गायब। स्क्रीनशॉट लेना तो लो, अदरवाइज मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से गायब। तो अब आपके पास आ गया सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल भी बोलते हैं कुछ लोग, यार कुछ भी बोल लो, जो तुम्हारा मन करे वो बोल देना। सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व, इस शेड्यूल और कर्व में बेसिकली क्या है, देखो कहीं पे भी स्केड्यूल या शेड्यूल लिखा हो तो वहां पे टैब्यूलर स्टेटमेंट की बात होगी। टैब्यूलर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? टैब्यूलर स्टेटमेंट का मतलब होता है टेबल। टैब्यूलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? टेबल की फॉर्म। और अगर कर्व लिखा है, कर्व का मतलब वहां बात होगी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। कर्व का मतलब किसकी बात होगी? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो अगर मुझे सप्लाई स्केड्यूल बनाना है तो इसके अंदर मुझे प्राइस में और सप्लाई में रिलेशन दिखाना है यूजिंग अ टेबल। और अगर कर्व बनाना है तो यहां पे भी मुझे प्राइस में और सप्लाई में रिलेशन दिखाना है यूजिंग अ कर्व। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, सप्लाई स्केड्यूल भी और सप्लाई कर्व भी। अगर स्केड्यूल पूछा तो ध्यान रखना है कि उसको टेबल की फॉर्म में दिखाना है, कर्व पूछा तो ध्यान रखना ग्राफ की फॉर्म में दिखाना है। अब जब सप्लाई दो तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल और मार्केट, तो सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरीके का होगा। स्केड्यूल भी कितने तरीके का होगा? दो। पहला होगा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और दूसरा होगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब जब स्केड्यूल दो तो कर्व भी दो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा होगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो दो तरीके के स्केड्यूल्स हो सकते हैं और दो तरीके के कर्व्स हो सकते हैं। अब देखो, अगर टेबल की फॉर्म में दिखाना है तो बहुत सिंपल है, इधर प्राइस ले लेता हूँ, इधर सप्लाई ले लेता हूँ। प्राइस अगर 10 से 20 हो गया, अब देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, तो सप्लाई बढ़ानी है, तो सप्लाई मैंने कह दिया 100 से 200 हो गया। प्राइस अगर 10 से 20 हुआ तो सप्लाई 100 से 200 हुआ। क्या हमने एक टेबल की फॉर्म में प्राइस और सप्लाई का रिलेशन दिखा दिया? तो बेसिकली व्हाट इज सप्लाई स्केड्यूल? इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट विच शोज कि हाउ मच क्वांटिटी अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना प्रोड्यूसर एक क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में दिखा रहा हूं तो उसको सप्लाई स्केड्यूल बोलूंगा। अगर मैं एक इंडिविजुअल सेलर की बात कर रहा हूं, एक ही सेलर की बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा सप्लाई स्केड्यूल होगा? इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। मैं इसी स्केड्यूल में अगर दो सेलर्स और जोड़ दूं, सपोज सेलर वन सेलर टू, सेलर टू इसको सपोज 50 से 100 करता है, ये 50 से 100 करता है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये मार्केट सप्लाई बन जाएगा। मार्केट सप्लाई ध्यान रखना सेलर वन सेलर टू जितने भी होंगे अप टू सेलर एन जोड़ते जाओ, 100 प्लस 50 150 और 200 प्लस 100 300। तो अगर इस तरीके का टेबल बना हुआ है, इस तरीके का स्केड्यूल बना हुआ है, तो इसको क्या बोलना है? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अगर कोई टेबल बस एक सेलर की सप्लाई दिखा रहा है तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, एक से ज्यादा की दिखा रहा है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई कर्व। कोई भी कर्व बनाते हैं क्या वो टेबल की हेल्प से बनता है? तो कर्व क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ
सप्लाई स्केड्यूल, इसी सप्लाई स्केड्यूल का अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना हो, ग्राफ बनाना हो, तो उसको क्या बोलूंगा? सप्लाई कर्व। अब जब टेबल दो थे तो कर्व भी दो होंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। और मार्केट सप्लाई कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। लो जी, ग्राफ बना देते हैं। सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इधर प्राइस ले लेते हैं 10, 20, ये हो गया प्राइस। और इधर हम लोग सप्लाई ले लेते हैं। सप्लाई है यहाँ पे 100 से 200, यही डिफरेंस है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो, जब प्राइस, अभी मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ तो बस मैं इसको कंसिडर करूँगा। इंडिविजुअल में तो यही स्केड्यूल बना था बस। तो 10 है तो 100, अगर 10 है तो 100 ये होगा, और जैसे ही 20 हुआ तो ये 200 हो गया। प्राइस ऊपर आया बढ़ के 10 से 20, और ये 100 से 200 ये इधर आ गया। तो इस तरीके से तो हमारा जो सप्लाई कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज अवर सप्लाई कर्व। ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया ऊपर जाता हुआ। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी पॉजिटिव रिलेशन हो कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कर्व हमेशा ऊपर जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगा तो कर्व हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे वैसे ही पूछ ले कि ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये ऊपर जाता हुआ क्या शो कर रहा है, तो इट इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व बना दें। मार्केट सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये हम बनाते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। लो जी, फिर से 10, 20, लेकिन इस बार हमें 300 तक जाना है। तो 100, 200, 300, 10 पे था 150। अब मार्केट में आपको ये दोनों नहीं प्लॉट करने, बस प्राइस और मार्केट प्लॉट करना है। 10 पे 150, तो 10 पे 150 कुछ यहाँ होगा मिड में। फिर 20 पे 300, तो 20 पे 300 लगभग यहाँ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा सप्लाई कर्व। कुछ इस तरीके से बन जाता है हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ना, थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा फ्लैट है, मार्केट सप्लाई कर्व थोड़ा सा फ्लैट है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस पे सावधान इंडिया लिख लेना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व सेम होंगे? आप बोलोगे नहीं, जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो फ्लैट होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करना तो इसको बोलना ये स्टीप होगा। स्टीप का मतलब थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ होगा। ये थोड़ा फ्लैट होगा, गिरा हुआ, ये थोड़ा नीचे जाएगा। तो मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मार्केट सप्लाई में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, इनके बीच का डिफरेंस देखो 150 और इनके बीच का डिफरेंस 100। देखा, 100 से 200, 100 का चेंज है ना, यहाँ 150 से 300, 150 का चेंज है। तो जितना ज्यादा बीच में गैप होता है उतना ज्यादा कर्व फ्लैट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा फ्लैटनेस होगी। तो जब भी ये प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगा कर्व उतना ही फ्लैट बनेगा। इसमें प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा था इसलिए ज्यादा फ्लैट बना, इसमें चेंज कम था इसलिए कम फ्लैट बना। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी हमने जितने भी आज टॉपिक्स पढ़े, आज अपनी बुक से रीड करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सप्लाई को कर देंगे फिनिश और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और 60 डे स्ट्रैटेजी में 2 ही दिन में आप लोगों ने सप्लाई कर लिया कंप्लीट, तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना और डेली वीडियोस देखो, पूरी पूरी देखो, बुक से मार्क करो और नोट्स बना के चलना। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का आपका कार्यक्रम खत्म। सुबह अकाउंट्स की वीडियो आ चुकी है, अब इकोनॉमिक्स की आ चुकी है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा के। थैंक यू सो मच।